हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह आपसे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बताइए, रीजनिंग का दिल्ली पुलिस का मॉक नंबर 4। क्या है मॉक नंबर 4? इसके पहले 3 मॉक हमने किया है जिसमें शानदार रहे, सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। मार्क 4 और भी शानदार सा होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके। ठीक है, आप अगर हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए बिना स्पेस के विकास सिंह रीजनिंग, मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊँगा। ठीक है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया वो तुरंत क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक, चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या है। एक पंक्ति में राहुल का स्थान आरंभ से 15वां है, उसी पंक्ति में महेश का स्थान अंत से 10वां है। यदि इन दोनों के मध्य 7 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? ठीक, तो अभी हमने लेटेस्ट में वहां पे पढ़ाया है आपको न्यूनतम संख्या के बारे में, क्या होता है SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। अब प्रश्न उठता है SD क्या है, देखिए 15 है 7 है 10 है और क्या है 7 है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि MD और MD का मतलब होता है मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, ये क्या हो गया MD हो गया 7 है ना, फिर क्या हो गया ये SD हो गया और ये क्या हो गया BD हो गया। ठीक, अब हमने वहां पे एक कंडीशन और डिस्कस की थी कि न्यूनतम संख्या में 2 करने, जब SD माइनस MD का मान 1 या 1 से कम हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, और जब SD माइनस MD का मान 2 या 2 से अधिक हो तो न्यूनतम संख्या बराबर SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। तो 10 माइनस 7 का मान क्या रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब यहां पे न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 माइनस 2 प्लस क्या 15, और 25 में से 9 घटा दिया क्या हो जाएगा 16 हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है 16, या जिसको हम कहते हैं 16। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ जुड़ते हैं। ठीक, तो जिन लोगों को वीडियो को शेयर नहीं किया है वो तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है क्या विकास सिंह रीजनिंग, है ना, टेलीग्राम पे आपको कहाँ सर्च करना है, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है और वहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा, मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, आप हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए 4 और 32 है ना, इसी के समांतर हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो ठीक, तो 4 और 32 का क्या लॉजिक है, हम कह सकते हैं 4 × 8, तो 4 × 8 से तो नहीं होगा, 6 × 8 8 × 5 = 40 नहीं होगा। ठीक, तो कुछ और ढूंढें, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 में 2 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 32, ये लॉजिक देखते हैं। ठीक, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का गुणा 200 नहीं, 8 का स्क्वायर 64 और 64 का दुगुना 128 नहीं होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का दुगुना 72 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दुना के 50 ये भी नहीं हो रहा। ठीक है ना, देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 दुना 72 नहीं हुआ, 8 का स्क्वायर 64 और 64 का दुगुना नहीं हुआ। ठीक, ये भी लॉजिक नहीं सेट हो रहा है। अब देखिए क्या हो सकता है और जरा सोचिएगा, 4 का स्क्वायर 16 दुना के 32 नहीं हुआ। ठीक, तो ऐसे करिए, एक तरीका और है, ये भी फेल हो गया, कोई बात नहीं, 4 का क्यूब कर दीजिए कितना हो गया 64, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 32 आ गया। आगे देखते हैं, 10 का क्यूब 1000 नहीं होगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 64, 512, और 512 बटा के 2 कितना हो जाएगा 256, ये भी नहीं होगा। 6 का क्यूब कितना हो गया 216 को 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 108, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, जैसे यहाँ पे क्या है 4 का क्यूब डिवाइड बाय 2, तो वहाँ पे 6 का क्यूब डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक, चलिए आगे, अब देखिए इसका हमको क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये लाइन जो यहाँ से है वो इधर से जाएगी,
है ना, ये लाइन है जो यहां से है वो इधर से जाएगी, सॉरी पेन को छोटा करना था हमने किया नहीं, ठीक, और ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, है ना। तो ये कहां पे है, तो ये इसमें है, इन तीनों में है, ठीक। अब देखिए जो यहां से है वो यहां से शुरू होगा, है ना, और यहां से शुरू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दो में है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्या, ऑप्शन नंबर दो, है ना, ऑप्शन नंबर दो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, सात छः तेरह और तेरह और आठ, है ना, तेरह और आठ क्या हो जाएगा, इक्कीस, तो आठ दो और छः आठ, आठ आठ क्या हो गया, सोलह, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, किसी कूट भाषा में टेम्पल को डी के ओ एल डी एस लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यह बनेगा क्या, ठीक है, देखिए क्या है, टेम्पल, टी ई एम पी एल ई, ठीक, इधर लिख देते हैं, टी ई एम पी एल ई, और इसको क्या लिखा है, डी के ओ एल डी एस। अब ध्यान देखिए, ये देखिए माइनस वन है, यहां पे देखिए माइनस वन है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन और माइनस वन, मतलब उल्टे से, अपोजिट से है, ठीक। तो अब देखिए क्या है, वॉरशिप, ठीक, वॉरशिप। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या आएगा, वी आएगा और यहां पे क्या आएगा, ओ आएगा, ओ से शुरू और वी से, सॉरी माइनस वन क्यू होगा ना, माइनस वन क्या होगा, क्यू होगा, नहीं सॉरी माइनस वन क्यू क्यों होगा, ओ होगा ना, ओ होगा, ठीक, ई का डी माइनस वन, ठीक है, ठीक। चलिए माइनस वन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, माइनस वन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद माइनस वन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, माइनस वन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, माइनस वन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और माइनस वन क्या हो जाएगा, वी, ओ एच, और यहाँ पे देखिए क्यू लिखा, ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे तुरंत आप क्या कर लेंगे, ओ कर लीजिए, है ना, यहाँ पे जो है ओ कर लीजिए, ऑप्शन से ओ एच जी आर क्यू एन वी, ओ एच जी आर क्यू एन वी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर कब होगा, जब क्यू को आप परिवर्तित कर देंगे ओ में, ठीक है। चलिए आगे, पी क्यू के पिता और आर के दादा है, पी किसके पिता हैं, क्यू के, और दादा किसके हैं, आर के, ठीक। आर एस का भाई है, आर किसका भाई है, एस का भाई, एस की माता टी, टी का विवाह किसके साथ हुआ है, वी के साथ हुआ है, है ना, एस की माता टी का विवाह किसके साथ हुआ है, वी से हुआ है, ठीक। टी क्यू की क्या है, बहन है, तो बताइए वी का पी से, तो पी के पुत्री का पति वी है, है ना, पी के पुत्री का पति वी है, और पुत्री के पति को हम क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं, क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं, तो इसका आंसर जो होने वाला है यहाँ पे वो क्या होने वाला है, दामाद होने वाला है, क्या होने वाला है, दामाद होने वाला है, ठीक। चलिए आगे, माता पिता अमीर व्यक्ति किसान, तो माता पिता अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं और किसान भी हो सकते हैं, किसान माता पिता भी हो सकते हैं और अमीर व्यक्ति, और अमीर व्यक्ति किसान और माता पिता हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, क्या, ऑप्शन नंबर एक इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, ठीक। चलिए आगे, कुछ कार्य वाहन हैं, तो कुछ वाहन कार है सही हो जाएगा, कोई भी वाहन चार पहिया नहीं है तो गलत हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष तीन क्या है, सत्य है, क्या है, केवल निष्कर्ष तीन क्या है, सत्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
इसमें देखिए त्रिभुज बताने हैं तो यहां पे हो जाएगा तीन, यहां पे हो जाएगा तीन, तीन छः, सात, आठ, नौ, दस, और देखिए दस तीन तेरह, और तेरह और तीन क्या हो जाएगा सोलह, तो कुल कितने हो जाएंगे सोलह त्रिभुज इसमें होंगे, है ना, कितने होंगे सोलह त्रिभुज होंगे। ठीक, चलिए आगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह, कितने हैं अट्ठारह हैं, है ना, कितने हैं अट्ठारह हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले अगर हमने आपको बताया है क्या है अट्ठारह हैं, तो हम क्या तीन तीन का छः या छः छः का तीन पेयर बना देंगे, है ना, तीन तीन का छः या छः छः का तीन पेयर, तो देखिए तीन 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 तीन, डबल डी बी, तो डबल डी तो बी हो जाएगा और डबल डी तो बी हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा सी के बाद बी है तो ए सी बी ए सी बी ए सी बी बन गया, तो आंसर क्या बी सी ए बी सी, सॉरी बी डी ए बी सी, बी डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, देखिए सबसे पहले क्या होगा बीमारी होगी, बीमारी होगी तो आप कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से आप क्या करेंगे परामर्श करेंगे, है ना, परामर्श करने के बाद वो क्या करेगा रोग की पहचान करेगा, पहचान करने के बाद वो क्या देगा दवा देगा, और दवा देने से क्या होगा स्वास्थ्य लाभ होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा चार छः तीन दो एक, एक के बाद क्या हो जाएगा पाँच, चार छः तीन दो एक पाँच, चार छः तीन दो एक पाँच, ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। प्रश्न आकृति किसमें निहित है, तो प्रश्न आकृति अगर आपको स्पष्ट दिखेगा ऑप्शन नंबर फोर में निहित है, है ना, प्रश्न आकृति किसमें निहित है ऑप्शन नंबर फोर में निहित है। ठीक, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा दो दो चार दो छः दो आठ, है ना, तो आठ होगा और ये क्या बनेगा वर्ग बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना, आठ के बाद वर्ग कहाँ पे है ऑप्शन नंबर फोर में है, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दुना के चार और एक पाँच, है ना, क्या है दो दुना के चार और एक क्या है पाँच, पाँच दुना के दस और एक क्या है ग्यारह, ग्यारह दुना के बाईस और बाईस और एक क्या है तेईस, लेकिन आगे तेईस दुना के छियालीस और एक सैंतालीस होना चाहिए, नहीं बना। ठीक, तो अंतर पे जाते हैं, ये कितने का डिफरेंस है तीन का, ये कितने का डिफरेंस है छः का, छः का, ये कितने का है बारह का, और ये कितने का है इक्कीस का, यहाँ पे देखें तो तीन, यहाँ पे देखें तो छः, और यहाँ पे देखें तो नौ, इसका मतलब आगे क्या हो जाएगा बारह, और बारह का मतलब तैंतीस, और तैंतीस का मतलब क्या हो जाएगा सेवेंटी सेवन है ऑप्शन में है, इसलिए वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, है ना, 77, क्यों, क्योंकि यहाँ से दूसरे के बाद तीसरे स्टेप पे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे स्टेप पे हमको एक सीरीज मिल जा रही है किसकी तीन छः नौ और बारह की। ठीक, आगे देखिए ये बताना है। ठीक, अब देखिए ये एरो ऐसे है फिर ऐसे है, इसका मतलब आगे भी ऐसे होगा, आगे ऐसे किस ऑप्शन में है इन दोनों ऑप्शन में। ठीक, आगे देखिए ऊपर नीचे तो अगले में क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर दो हमारा क्या होगा राइट आंसर, ये पहले ऊपर है फिर नीचे है फिर क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्या पूछा है कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं, तो नहीं कौन सा बना सकते हैं, तो ये वाला नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन है और इसमें कहीं भी एन नहीं है, है ना, तो ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है क्यू यू आई क्यू यू ए आई एन टी क्वांट, है ना, क्वांट वाला हमारा जो अक्षर होगा वो नहीं बनेगा क्योंकि शब्द में कहीं भी एन नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए
दो तीन छः, है ना। जैसे देखिए इसका आंसर हमको लाना है, ठीक। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, दो आएगी, है ना, दो और दो तिहाई छः, है ना, दो तिहाई छः, छः से हमारा काम नहीं बनने वाला है, दो तिहाई छः नहीं बनेगा काम, है ना। अब देखिए इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि सीधे हमको लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत हम सी से करते हैं और प्लस और डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं, तो 18 डिवाइडेड 6। पहले हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें क्योंकि यहां पे डायरेक्टली हमको सोचने पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो डिवाइडेड 6 माइनस 6 प्लस 3 गुणे 3, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस 6 प्लस 9, 9 3 क्या हो गया 12, और 12 माइनस 6 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या करना है, प्लस और डिवाइडेड को रिप्लेस कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये 3 3 लिख के 9, 9 3 12, 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बैक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, बैक बी ए सी के बैक को लिखा गया है 11 3 12, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, के का 11 हो गया, सी का 3 हो गया, ए का 1 हो गया और बी का 2 हो गया। अपोजिट से लिखा गया, देखिए के का 11, सी का 3, ए का 1 और बी का 2। जैसे यहां पे देखिए ई का 5, के का 11, ए का 1 और सी का 3, वैसे ही यहाँ पे ई का क्या हो जाएगा 5, डी का 4, ए का 1 और एम का 13, 54 113 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा सूर्य से निकलती है ना, उष्मा सूर्य से निकलती है, तो विटामिन किससे मिलता है, फल से मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। उष्मा सूर्य से निकलती है तो विटामिन कहां से निकलेगा, फल से निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर टू हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए बी का, गलत है यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिए ये ई नहीं होगा, ये एफ होगा, टाइपिस्ट महोदय ने गलती की, ठीक है, क्योंकि बी का वाई, एफ का यू, सी का एक्स और डी का डब्लू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का डब्लू, ये टी, ये वी और ये यू, डब्लू टी वी यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। तो आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ई की जगह एफ कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे, क्रिया प्रतिक्रिया अपोजिट है, तो उकसाना, उकसाना क्या है, अनुक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया, उकसाना का अपोजिट अनुक्रिया होगा, ठीक। चलिए आगे, असमान संख्या, देखिए 121 पूर्ण वर्ग है, 144 पूर्ण वर्ग है, 196 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 300 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए वह उनसे क्या होगा, अलग होगा, ठीक। आगे देखिए, दस अठारह अड़तीस है ना, दस अठारह अड़तीस, दस दुना के बीस, है ना, मिल गया, ठीक है। दस गुणे दो कितना हो गया, बीस, और बीस माइनस दो बराबर अठारह, अठारह गुणे दो कितना हो गया, छत्तीस प्लस दो बराबर अड़तीस, ठीक। तो चार गुणे दो आठ, और आठ में से दो गया तो नहीं आएगा, चौदह दुना अट्ठाईस नहीं आएगा, बारह दुना के चौबीस, हाँ आ गया, ठीक है। देखिए बारह गुणे दो बराबर चौबीस, और चौबीस माइनस दो बराबर बाईस, बाईस गुणे दो बराबर चौवालीस, और चौवालीस प्लस दो बराबर छियालीस, तो क्या हो जाएगा, बारह बाईस छियालीस, है ना, बारह बाईस छियालीस हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे, छः निचले पे, छः का अपोजिट पूछा है, तो देखिए तीन एक पाँच,
उसके बाद क्या हो जाएगा, तीन चार दो, तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, तो छः का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए ये जो सारे सवाल हो रहे हैं ना वो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इसलिए पैटर्न बिल्कुल एसएससी का है। जब आपको जेल वार्डन की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी तो जेल वार्डन का पैटर्न बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। बात समझ में आई? तो ये दिल्ली पुलिस का है इसलिए इसका पैटर्न दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये परीक्षा एसएससी कंडक्ट कराती है ना, एसएससी कंडक्ट कराती तो इसका लेवल यही होगा। ठीक, शोभा का मुख पूरब की ओर है, वह 20 मीटर चलती है, पूरब की ओर 20 मीटर चलती है। ठीक, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, और फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है ना, तो आरंभ से कितनी दूरी पर है ना। कुछ मिस्टेक है सवाल में, टाइपिंग मिस्टेक होगा इसका, फिर से देखते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है कि हम ही लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, चलिए आइए चेक कर लेते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है कि हम ही लोग से मिस्टेक हो रहा है। ठीक, चलिए, शोभा पूरब की ओर मुख की है, शोभा का मुख पूरब की ओर 20 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है, हम लोगों ने ज़्यादा चलते हैं, 15 मीटर चलती है। ठीक, तो देखिए ये 20 है और ये आरंभिक स्थान से कितना हो जाएगा, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45 मीटर। इसका ऑप्शन एक क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या, 45 मीटर। ठीक, तो यहाँ से आपका मॉक नंबर 4 क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नए मॉक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।